सब्सक्राइबर मिले हैं छोटे से प्यारे से। Hey guys, welcome back to our new vlog. आज है शादी का दिन और अभी चल रहे हैं बाहर, तिलक होने वाला है, नहीं हल्दी, वो आप लोग को दिखाते हैं। आप लोग को जयपुर और बिहार की शादी का फ्यूजन दिखाते हैं, जयपुर में कैसे होती है और बिहार में कैसे होती है, कुछ रीति रिवाजों को मिक्स करके यहाँ पे शादी हो रही है। बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जो कि मतलब यहाँ राजस्थान और बिहार में बहुत डिफरेंट है, तो उन्हीं दोनों को मिला के हम लोग आप लोग को कोशिश कर रहे हैं दिखाने का। अलग अलग तरह के रिचुअल्स हैं, अलग अलग तरह की प्रथाएं हैं करने का, हमारे यहाँ पे अलग तरह से होता है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, तो अभी देखते जाइए। अभी तो इतना स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो बहुत सारा है, हमारा तो 3-4 दिन की शादी चलती है यहाँ। पंडित जी एक दिन में निपट जाता है यहाँ शादी, एक दिन में हो जाती है? एक दिन में हो जाता है, मगर घर पे कार्यक्रम अलग अलग चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, घर के अंदर में पार्टी सब जैसे हमारे यहाँ विनायक की स्थापना होती है, फिर उसके बाद में विनायक होता है, विनायक के बाद में फिर हमारा तेल तेल का प्रोग्राम होता है, तेल जिसे बोलते हैं, तेल चढ़ता है। अच्छा, तेल का स्थापना होती है, फिर उसके बाद में लग्न पत्रिका आती है, तो लग्न पत्रिका के बाद में सब कार्यक्रम होते हैं हमारे। लग्न पत्रिका होने के बाद में बारात का ही होता है हमारे यहाँ, तो सीधा बच्चा बारात लेके ही बस जाता है, वही लास्ट वही है। हमारे यहाँ तो इतने सारे होते हैं कि पूछो मत, 5-6 दिन तो वैसे ही शादियों की तैयारी में निकल जाते हैं। लगन चढ़ा रहे हैं, तो तिलक हो चुका है और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, इसके बाद की कोई रस्म होने बाकी है, पता नहीं अब कौन सी होगी, मुझे भी नहीं पता है। ये मंडप बन रहा है, आर्टिफिशियल मंडप तो पहले से बना हुआ है, लेकिन हम लोग का रिचुअल जो होता है वो चीज सब बन रहा है, सब विधि विधान के तरीके से बन रहा है, पंडित जी करवा रहे हैं और हमारे घर के जो बड़े होते हैं वो लोग करते हैं, और जो मदर फादर होते हैं वही सब करते हैं। शादी में कम बोलने का कारण भी है कि अभी म्यूजिक इतना तेज बजेगा कि पता भी नहीं चलेगा, दूसरा चीज कि पहली बार शादी में आए हैं, बाहर अच्छा लग रहा है, और एक हीरो से मिलवाता हूँ आप लोग को, वो हमारे सारे ब्लॉग देखता है, इवन दो सारे चैनल को उसने सब्सक्राइब किया हुआ है, ये हमारे नन्हे भाई, नाम स्पर्श है, और सारे चैनल ने सब्सक्राइब किए हुए, इवन दो सारे वीडियोज देख रहे हैं हमारे, मतलब सुपर फैन हो रहे हैं। बहुत मजा आया, मगर इस बार अलवर का ट्रिप इतना बढ़िया रहा ना, पहले स्टेशन पे उतरते के साथ ही सब मतलब फैमिली मेम्बर मिल गए, उसके बाद यहाँ पे इतने छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से, वैसे मैंने एक बार बीच में कहा ये पीयूष जोशी से भी तेज है, बहुत तेज है, बता दूँ सारे गेम्स जानता है, माइनक्राफ्ट स्पेशली। ये और तेज गाना बजा रहा है। तो बारात के आने का टाइम हो चुका है और बारात बस कुछ ही देर में आने वाली है, जितनी बेसब्री दूल्हे वाले साइड से है उससे ज्यादा बेसब्री हमारे साइड से है, माला पहनाने के लिए सबके सब भाई लोग तैयार हो चुके हैं, तो किस किस को अच्छी मिलनी चाहिए वो अभी देखने के बाद है, साला मेरा ही पत्ता काट रहा है। तो और भी लोग हैं, और भी लोग हैं सत्यम भाई, किस किस पे हर स्टेट पे है, और भी लोग हैं जिनको मिल चुकी है, और भी लोग हैं जिनको मिल चुकी है, बोलो जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। लग रहा है कि बहन की शादी करवाते करवाते आपस में ही लग रहे हैं। जयपुर का एक मतलब जयपुर क्या राजस्थान में एक नई चीज होती है, तोरण कहते हैं, जो कि वो टंगा हुआ है आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो है उसकी तोरण कहते हैं, उसको दूल्हा छूटता है, तो उसकी कहानी अब हम पंडित जी से सुने, बताइए पंडित जी। ये हमारे राजस्थान में एक लोकाचार है
आता
वो सब लोग बोलता है गाना भी गाना पड़ेगा और एक कविता भी सुनानी पड़ेगी। जैसे अब आप जीजू के कैटेगरी में आ गए ना, तो अब वो आगे कैटेगरी गाना ही गाने नहीं आते। देश का सिपाही बोलो मेरे साथ जय जय। तुमसे मिलना सुनाई नहीं पड़ रहा। सालियों के लिए गाना ही नहीं आ रहा। बीवी के लिए उतने देर में याद आया तो साली के लिए तो डबल टाइम लगेगा। करो ना यार, मैं तेरा हो गया। अगर ये गाएंगे तो आप पैसे नागिन की तरह करना पड़ेगा। कुड़िया गली दे गुंडे बस अभी एक बार आएगी दोबारा जाएगी तब रो ना। अभी क्या रो रही है? स्टॉक बचा के रखा। कौन ने आगे पिला है? ये देखिए कितना क्यूट है। ले जाए इसको, शैडो लड़ पड़ेगी। दीदी बाय 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 बाय। तो जगह ना है एक आदमी तो बैठ सकता है। चलो चलिए चलिए एक बार और पीछे चलिए। आप निकल जाइएगा। चलिए जाइए आप चलिए सीधा। हर हर महादेव। शादी होगी फिनिश, विदाई भी हो गई है। अब हम लोग जा रहे हैं अचानक से दिल्ली, क्योंकि शाम की ट्रेन थी उसको कैंसिल करवा के अब सुबह की करवानी पड़ी है। कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो घर जाके आप लोग को बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। बाकी अभी निकलते हैं। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत जल्द और भी अच्छे ब्लॉग आएंगे।